बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू एंड योर फैमिली आर फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, अटेंड योर वर्चुअल क्लासेस एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली, सो इट्स योर कंप्यूटर क्लास। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, गेट योर computers book. Dear students, in our previous class we have studied unit number 1 and what is the name of unit number 1? Know your computer. Know your computer. Today we are going to study chapter number 2 and the title of chapter number 2 is parts of computer. Now, dear students, open page number 13 in front of you. Dear students, in our previous class, we have discussed that computers have different parts just like monitor, keyboard, system unit and mouse. Today, we are going to start unit number 2 and this is parts of a computer. After reading this unit, we will be able to identify different parts of computer and we will able to know about the functions of different parts of computer. Hame functions ke bare mein bhi pata lag jayega. Dear students, in our body, hamari body hai like a machine, ek machine ki tarah, okay? Different parts of different work. Different parts hain hamari body ke aur unke different hi kaam hain. We use hands to pick up the things. कि हाथों को हम किस लिए यूज़ करते हैं, चीज़ें उठाने के लिए. लेग्स टू वॉक एंड रन, वी यूज लेग्स टू वॉक. सिमिलरली आईज टू सी, आंखें जो हैं वो हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है दैट इज़ यूज फॉर थिंक, ठीक है, द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज थिंक. नाउ स्टडी द नेक्स्ट लाइन. सिमिलरली अ कंप्यूटर ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट, इसी तरह कंप्यूटर के भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट वर्क, देयर आर फोर मेन पार्ट, देयर आर द फोर मेन पार्ट्स. नंबर 1 मोनीटर, नंबर 2 सिस्टम यूनिट, नंबर 3 कीबोर्ड, नंबर 4 माउस. सो दिस इज अ कंप्यूटर. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट मोनीटर. ओके, मोनीटर लुक लाइक अ टेलीविजन. मोनीटर लुक लाइक अ टेलीविजन. लुक एट हेयर, दिस इज अ मोनीटर इन फ्रंट ऑफ यू. और आपके घरों में भी कंप्यूटर होगा तो मोनीटर किस तरह लगता है, एक टीवी की तरह लगता है. यू कैन सी पिक्चर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स ऑन मोनीटर स्क्रीन. इस स्क्रीन पे हम क्या क्या देख सकते हैं, हम पिक्चर्स देख सकते हैं, हम अल्फाबेट्स को, हम नंबर्स, वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर, वी कैन राइट द नंबर्स ऑन मोनीटर. ओके, हेयर इज द पिक्चर ऑफ सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट controls all the functions of computer. System units control all the functions of computer. Read with me. System unit controls all the function of the computer. जैसे हमारा brain होता है ना, दिमाग, वो भी हमारी body के पूरे functions को control करता है. Just like system unit, it is the brain of computer. Okay? Let's know about keyboard. Here is the picture of keyboard. Dear student, कीबोर्ड हैज स्मॉल बटन्स. एक कीबोर्ड में छोटे छोटे बटन होते हैं, जस्ट लाइक दिस. दिस इज द कीबोर्ड हैविंग स्मॉल बटन, जस्ट लाइक टी वाई एच. ऑल द बटन्स आर इन स्मॉल. देन दे आर कॉल्ड कीज. इट इज़ नोन एज कीज. हर बटन को हम की कहते हैं. इट हैज़ अल्फ़ाबेट कीज. इसके अंदर आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स कीज हैं जो कि ई से स्टार्ट हो रहे हैं और एच जेड पे ख़त्म होते हैं. सिमिलरली दिस कीबोर्ड हैज़ अ नंबर की. इसमें नंबर की भी होते हैं. लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड हियर ऑल्सो द नंबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर. सिमिलरली दिस कीबोर्ड हैज़ स्पेशल की. इनके पास स्पेशल कीज भी होते हैं, जस्ट लाइक F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन. सो लुक एट हेयर, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द कीबोर्ड. ओके, एंड विद कीज यू कैन टाइप अल्फाबेट और नंबर. जस्ट लाइक इफ यू वॉन्ट टू टाइप योर नेम, जस्ट लाइक नूर, सो यू हैव टू टाइप जस्ट NOOR, नूर. सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू टाइप 1 by pressing the key 1,
वन हमारा टाइप हो जाता है मॉनिटर के ऊपर. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर. नाउ देर आर कीबोर्ड, देर इज अ कीबोर्ड गिवन बिलो, कलर द कीज विद विथ लेटर ऑफ योर नेम एंड रेड कलर ऑल्सो विद रेड कलर. ऑल्सो राइट द नेम ऑफ नेम ऑन द मोनीटर. आपने क्या करना है, ये मोनीटर की पिक्चर है आपके सामने, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर जस्ट लाइक नूर एंड डबल ओ आर ओके विद योर पेंसिल. सिमिलरली लुक एट हेयर, आपने इसमें से कलर करना है, रेड कलर लेना है. और जैसे कि मैं नूर को कलर कर रही हूँ तो आपने एन के की को कलर करना है, इसी तरह ओ के की को कलर करना है, देन अगेन ओ, देन आर. आपने रेड कलर से उसको कलर कर देना है तो आपके कीबोर्ड पे आपका नेम शो हो जाएगा. अंडरस्टैंड, लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. हेयर इज माउस, दिस इज अ कंप्यूटर माउस. लुक एट हेयर, आई एम ऑल्सो माउस फॉर यू, हेयर द पिक्चर फॉर यू एंड दिस इज द माउस. आई हैव ब्लैक कलर माउस, माउस विच इज ब्लैक इन कलर. सो दिस इज द कंप्यूटर माउस, इट हैज अ लॉन्ग वायर. लुक एट हेयर, इट हैज़ अ लॉन्ग वायर, इसकी लॉन्ग लंबी सी तार होती है. अटैच टू इट, इसके साथ ये देखिए अटैच हुई होती है. इट हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर मोनीटर. अगर हमने कंप्यूटर मोनीटर पे चीज़ों को पॉइंट आउट करना हो तो हम मोनीटर माउस को यूज़ करते हैं. और इसके अंदर दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, लेफ्ट राइट लेफ्ट, एंड हियर इज अ स्क्रोल डाउन. अगर ऊपर से नीचे जाना हो तो ये स्क्रोल डाउन भी यूज़ किया जाता है. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू लर्न द कंप्यूटर एटिकेट्स. अब हम कंप्यूटर एटिकेट्स पढ़ेंगे. व्हेन यू आर आस्क्ड टू गो टू द कंप्यूटर लैब, ऑलवेज मूव इन क्वी जस्ट लाइक हेयर. अगर आप कंप्यूटर लैब जाते हैं तो आपको लाइन बना के जाना चाहिए. ओके, जस्ट मूव इन अ क्यू. ओके, टेक ऑफ योर शूज व्हेन यू एंटर द कंप्यूटर लैब जस्ट लाइक हेयर, द बॉय इज टेकिंग ऑफ हिज शूज. सो स्टूडेंट्स, यू शुड टेक केयर ऑफ योर शूज बिफोर गोइंग इन टू द लैब. ओके, नाउ स्टूडेंट टूडे वी हैव कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टूअर्ड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हेयर इज एक्सरसाइज एंड आई एम ऑन योर पेज नंबर 17. सो डियर स्टूडेंट, ओपन दिस पेज इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेक योर पेंसिल इन योर हैंड. Let's move towards the question number 1. Choose the correct word and write the space provided. आपको space दी गई है, you have to write the correct word here. Dash look like a television screen. Yes. A part, M-O-N-I-T-O-R. Monitor. Monitor looks like a television. So write here monitor and tick the correct option. A keyboard has small buttons called keys. Here is the correct option. So write here keys. K-E-Y-S. Keys. Dash is used to point out on the computer. Which thing? Good. Mouse. So write here mouse. Third one is M-O-U-S-E. Third one is mouse. So right here, mouse. Here is the correct option. Dash is used to see the picture, alphabets and numbers. Which thing is used to see the picture, alphabets and number? Monitor. So right here on fourth blanks, M-O-N-I-T-O-R. Monitor. This is the correct option. Now, there are fill in the blanks for you. Fill in the blanks. A dash look like a TV screen. Monitor. Dash helps to type letters. Keyboard. Dash helps to type letters. Keyboard. A dash has a long wire. Mouse. So right here, mouse. Number 1, monitor. Number 2, keyboard. Number 3, mouse. Monitor, keyboard, mouse. Now tick cross for you. Keyboards look like TV screen? No, wrong. So write here cross. Cat is a brain of computer? No, cross. Mouse helps to draw? Yes, true.
कीबोर्ड हेल्प्स टू टाइप का नंबर्स. यस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू अवर डी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेम द फोर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द नेम्स ऑफ फोर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? यस. नंबर वन, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड. Write all these parts in these blanks and write this answer on your book also. Which part of computer look like TV? Yes, what is this? Monitor. So, monitor look like TV. So, write here, monitor. M-O-N-I-T-O-R. Monitor. Monitor looks like television. Good. Let's move toward the question number 3. And the question number 3 is, which part of computer helps you to type? What is this? Keyboard. So, keyboard. The answer of question number 3 is keyboard. Let's move toward the question number 4. Which part of computer helps to point the things on monitor? Yes, mouse. M-O-U-S-E. So, right here, M-O-U-S-E. Mouse. So the answer of question number 4 is mouse. Dear student, write all your answers on your book as well as on your neat notebook. आपने neat notebook पे भी ये काम करना है. Let's move toward the F part. Here is F part in front of you. Count the numbers of monitors, system units, keyboard and mouses. Dear student, today now we are going to count the numbers. How many? 1, 2, 3. How many monitors? 3. So right here. 3. Okay. How many system units? Let us count. Red color, yellow and yellow. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So right here 3. Let's count the mouse. 1, 2 and 3. Pink color ka mouse bhi hai. So right here 3. Let us count keyboard. 1, 2, 3. How many? 3. So students, 3 mouses are also present in this picture. So complete this activity and this is very interesting. Bahut mazi ki activity hai. Let's move toward the next page and this is your page number 20. F part. Look at the picture carefully. Identify missing part in each picture. Ab yahan pe kuch parts hamare miss hai. Humne unko identify karna hai and write the missing part on these blanks. Number 1, which thing is missing here? Let us count. 1, 2, 3. Fourth part is missing, which is system unit. Monitor, keyboard, mouse, system unit. Right here, system unit. System unit, monitor, mouse. Keyboard is missing here. System unit, monitor, keyboard. Mouse is missing here. So right here, mouse. System unit, mouse, keyboard. Which thing is missing? Monitor. So right here, monitor. So my dear student, today we have completed the unit number 2. Dear student, complete all this exercise and read this chapter at your home. I hope that you have understood today's lecture. If you have any question regarding this lecture, call me at school's number. I'll answer your all queries. Dear students, complete all the tasks or homework that are assigned to you in 2 days and share the picture of your homework on school's WhatsApp number. That's all for today. See you next time. Take care. Stay home. Stay safe. And Allah Hafiz.